संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती पर रेलवे स्टेशन के सामने महापुरुषों के नाम पर चौक बनाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को मारने पीटने पर उतारू हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासनिक दल के साथ मौके पर पहुंचा और समय रहते स्थिति को संभाल लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को घरौंडा पुलिस थाने में बुलाकर उनको समझाकर राजीनामा करवाया। आपको बता दें कि रविवार को रेलवे स्टेशन के सामने चौक का नाम महापुरुषों के नाम पर रखने को लेकर दो समुदायों में विवाद खड़ा हो गया। एक पक्ष कह रहा था कि यह चौक गुरु रविदास के नाम से होना चाहिए, तो दूसरा पक्ष उसे भगवान परशुराम के नाम से रखने को लेकर अड़ गया। दोनों पक्षों में तनातनी हो गई और दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। जैसे ही इस बात की सूचना थाना प्रभारी मनोज कुमार को मिली तो वह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। इस दौरान DSP जगदीप दुहन, मधुबन थाना प्रभारी तरसेम चंद, नायब तहसीलदार सुमन, नपा सचिव रवि प्रकाश ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत करवाया। घरौंडा से संवाददाता विवेक राणा की रिपोर्ट। आज हमारे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हमारे समाज के लोगों ने घरौंडा रेलवे स्टेशन के सामने एक गुरु रविदास जी महाराज के नाम से सवेरे एक बोर्ड लगा दिया था, जिसका वहां के कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने काफ़ी विरोध किया और पूरा पुलिस प्रशासन बुला लिया और हमारे बोर्ड को पढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे समाज के बहुत सारे वहाँ पर लोग आ गए और विवाद बहुत बढ़ गया। फिर SP साहब करनाल ने अपना पुलिस प्रशासन को और अधिकारी भेजे और उन्होंने पूरे घरौंडे के सामाजिक व्यक्तियों की इसमें आज मीटिंग ली, जिसमें तहसीलदार साहब भी, नगरपालिका सेक्रेटरी भी और जितने हमारे विक्रमजीत MC, राम सिंह MC, अनिल MC और भी जितने MC थे वो सारे आज मौके पर थे। सारे घरौंडा के समाज के लोगों की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यही फैसला लिया भाई अब जहाँ भी चौक गुरु रविदास जी का बन गया वो वहीं रहेगा, एक दूसरा भगवान परशुराम का चौक वो थोड़ा उससे आगे स्टेशन की तरफ वहाँ पर वो अपना बोर्ड गाड़ लेंगे, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति हो गई है और हमारे को भी उसमें कोई एतराज नहीं है। आज ये दोनों पक्षों की सहमति से अब हमारा फैसला हो गया जिस पर हम दोनों सहमत हैं। आज भगवान रविदास जी की जयंती थी, जो इसी उपलक्ष्य में घरौंडा में भी जयंती मनाई जा रही थी, तो 30 तारीख को दिसंबर में हरिजन समाज ने एक एप्लीकेशन पुट अप करी थी सेक्रेटरी साहब को, म्यूनसिपल सेक्रेटरी जी को, कि हम यहाँ रेलवे स्टेशन के सामने रविदास भगवान रविदास जी का चौक बनाना चाहते हैं, जो उन्होंने आज इस उपलक्ष्य जयंती उपलक्ष्य में एक रविदास जी का बोर्ड बना के वहाँ रेलवे रोड के सामने लगा दिया, जिस बारे में दूसरे समुदाय को आपत्ति हुई। आपत्ति होने के बाद वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो गई थी, जिस बारे में पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुँच के थोड़ी शांति बनाई रखी और दोनों पार्टी को थाने में बुला के एक कमेटी के तहत उनको समझा के और दोनों का राजीनामा करा दिया गया, समझौता करा दिया गया। तो दूसरा समुदाय का चौक कहाँ पे बनेगा सर? अब दूसरे समुदाय में यही सहमति हुई है कि 96 में कोई रेजुलेशन पास होगा म्यूनसिपल सेक्रेटरी कमेटी में, तो 96 में जो उसके साथ ही उन्होंने अपनी जगह छुट्टी हुई है जी, जिस बारे में दोनों पक्ष सहमत हुए जी, तो वहाँ पर बनाया जाएगा अब चौक जी, तो रविदास चौक वहीं पर रहेगा, जहाँ भी है वहीं पर रहेगा। ये जो आज चौराहे की बात आई है उसकी हमारे पास रिकॉर्ड में कोई परमिशन नहीं है जी, और नगरपालिका किस समुदाय की परमिशन नहीं है आपके पास? नहीं, जिस समाज की आज जो बात आई है, लेकिन मैं इसमें आपको ध्यान में लाना चाहूँगा कि माननीय उपायुक्त महोदय ने अभी एक महीना पहले हमारे सभी पार्षदों, कुछ चुनिंदा पार्षदों की और प्रशासन की मीटिंग ली थी और उसमें प्रस्ताव रखा था कि जो भी समाज अपना चौक घरौंडा में पास करवाना चाहता है वो बिल्कुल, क्योंकि महापुरुष जो है केवल एक समाज के नहीं, महापुरुष जो है सभी समाज के होते हैं, और वो अपना जो है प्रस्ताव दे और नगर पालिका उसे पास कर दे। देखिए, वो उच्च अधिकारियों को संज्ञान में, SM साहब के संज्ञान में मामला ला दिया गया था और आज जो है उस बारे में एक बैठक हुई है और कल इस बारे में 11 बजे SM साहब ने बैठक बुलाई है जो सभी पार्षदों से और जो समुदाय के लोगों से चर्चा करेंगे। दोनों समुदाय ने लिखित रूप में क्या लिख के दिया आज? मुझे ध्यान में कि सब दोनों समुदाय लिख के दिए कि वो थोड़ी सी दूरी पर दोनों अपना चौक बनाने को राजी हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।